हांगकांग पर किसका अधिकार है चाइना का पहले ब्रिटेन का अधिकार था 1997 में ब्रिटेन यहां से चला गया लेकिन ब्रिटेन इसे क्या किया था ना इंडस्ट्रियल हब बनाया था यहां बहुत सारी फैक्ट्रीज और कंपनीज कहां थी हांगकांग में थे कहां थी हाँ। जब यहां से 1997 में 1997 सन् में कौन जा रहा था ब्रिटेन किसे सौंप के तो यहाँ की जितनी कंपनियाँ थी सब यहाँ से भागने लगी थी क्या गई थी भाग अब जैसे भारत सरकार पटना को तालिबान को सौंपने लगे तो हम लोग यहाँ रहेंगे हम लोग भागेंगे भैया चलो अब कहीं और चला जाए नहीं तो ये कोई तो निपटाइए देगा सर कहीं ऊपर नीचे होगा तो क्लसवे में घुस के कहेगा ये खान सर कौन है अच्छा आप ही हैं चलिए अलविदा दाएँ निपटा देगा सर यहाँ पे तालिबान वालों का कोई ठीक है हम उनसे कोई ठीक नहीं तो भाग जाएंगे कि नहीं हम लोग तो चाइना वालों का कोई ठीक है कब कौन सा नियम लगा दे सारी कंपनियां भाग गई वहां से अब वो ये सोच रही थी कि हम लोग भाग जाए कहाँ तो उनको चाहिए था एक ऐसा जगह जो समुद्र के किनारे हो किसी भी धर्म का रोक टोक ना हो कानून एकदम लिबरल हो कोई यूनियन ना हो कि हमारी मांगे पूरी करो ये करो ऐसा ही जगह चाहिए जहां फैक्ट्रीज हो सके यहाँ पर तो मिट्टी के घर में रहने वाला दुबई का राजा जिसके पास अपनी जहाज नहीं था तो पाकिस्तान से पी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को भाड़े पे खरीदा और यूए डेवलप किया अपने आप को यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात और इन जितनी कंपनियां वहां से जा रही थी उन सबको कहा कि यहाँ आ जाइए देखिए समुद्र के किनारे है मेजर हब है सारी जगहों से कनेक्टिविटी भी क्या है इजी है कानून एकदम लिबरल रहेगा कोई दिक्कत नहीं है आपको जैसे रहना है रहिए सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है यूनियन अगर कोई कह दिया हमारी मांगे पूरी करो हाथ तोड़ के उसको भेज देंगे यहां से सारा चीज सारी कंपनी कहां भाग गई सब यहां से कितनी भाग गई सब आज यू को देखिए कहां चला गया यूआई और हम लोग तब तक हम लोग भी चाहते तो अंडमान निकोबार में नहीं रोक सकते थे लेकिन हम लोग बिजी थे अलग चीज में हम लोग बिजी थे अपनी राजनीति के चक्कर में कोई जाति के नाम पे लड़ रहा था कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा था भारत में लोकतंत्र ऐसा देश है जहां लोकतंत्र बनाया क्यों गया था कि जनता अपनी काम को पूरा कराने वाले सरकार को चुने लेकिन भारत को अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ लोग वोट काम के लिए अपनी ख्वाहिशों के लिए अपने विकास के लिए नहीं देते बल्कि वोट देते हैं सामने वाले को केवल और केवल जिता देने के लिए हमारी पार्टी जीत गई बस करे कुछ काम करे कुछ करे या ना करे आपने जब उसकी भलाई के लिए वोट दिया है उसका तो भला हो ही रहा है उसके भलाई में कोई कमी रही है कम कदम आप अगर बिहार में यह कह के वोट दीजिए कि 100 किलोमीटर चलने में अगर एक घंटा से ज्यादा लगा तुमको वोट ना देंगे एक घंटा में 100 किलोमीटर डिस्टेंस चलना चाहिए यह विकास की पहली चीजें दूसरा कि वहां कोई भी इंसान क्रिमिनल टाइप की एक्टिविटीज में न होना चाहिए यहां जाके देखिए हाजीपुर में जितनी फैक्ट्रीज लगी हैं और यहां पे, सब सबका क्रिमिनल फिक्स है कौन से पैसा वसूलता समझ नहीं दीजिएगा तो वही उल्टा सीधा काम करेगा सब समझा गया हमारों पर तो बम चलाया था सब एक समय था अब चलाए ना परमाणु चला देंगे हम हाँ सब बाद में जाके एफ आई आर करेगा छोटका माम मारे थे <laughs> बताइए, हम उस समय हमको लगा था कि छोड़ो ये सब चीजें नहीं बाद धमकी आ रहा था हम को वीडियो बनाए जेल के अंदर कैसे जिंदगी है समझ रहे हैं ना फिर आदमी जब जब एक शरीफ आदमी गुंडई पे उतर जाता है ना फिर उसके आगे कोई नहीं टिकता है आप अगर कोई कहे ना बम मारते हैं तो उसको वहीं पकड़ लेते हैं लोग तो ये दुबई डेवलप हो गया और यहां से सारी कंपनियां कहां भाग गई जो बच गई वो भी कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी बच गई थी यहां पर दुबई डेवलप हो गया हांगकॉन्ग भी आज पूरी तरह से डेवलप है लेकिन जब ये हांगकॉन्ग चाइना चाइना को ब्रिटेन सौंप रहा था तो कहा कि यहाँ के लोग जो थे वो ब्रिटिश के हिसाब से चल रहे थे लोकतंत्र थे कहा कि 50 सालों तक तुम इसके नियम कानून के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे तो चाइना का एकमात्र जगह हांगकॉग है जहां इलेक्शन होता है वहां क्या होता है इलेक्शन अभी चाइना ने वहां क्या किया नियम बना दिया इलेक्शन होगा लेकिन कौन इलेक्शन में खड़ा होगा ये हम डिसाइड करेंगे <laughs> तो अपने को बौन, बौन को आधा भेजेगा, <laughs> और वहीं पे उठ रहे है सब लोकतंत्र को नाश दिया है चाइना में लोकतंत्र का रहना बहुत जरूरी है एशिया का सबसे अमीर आदमी था जैक मा अली बाबा कंपनी का मालिक उसने बस इतना कहा था ना कि चाइना की सरकार लोन देने से कतराती है उसको तहस नहस कर दिया सब तहस नहस कर दिया सब तो लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी अन्यथा आप बोल नहीं पाएंगे और हमारे देश में देखिएगा लोकतंत्र को बचा के रखना आप नई पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है यहाँ समझ में आए कि नहीं तो लोकतंत्र नहीं तो फिर फायदा क्या होगा भैया आजादी लिए